नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप और आपका परिवार? मैं दीप राम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। हर बार अलग अलग टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं और एक सकारात्मक सोच लाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है पाप का गुरु कौन है। तो ये कहानी का नाम है क्योंकि कहानी के द्वारा हम किसी चीज को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो किसी गांव के अंदर एक विद्वान रहते थे। विद्वान इन द सेंस उनको काफी चीजों का ज्ञान था, लेकिन जब उसको उनको एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि मुझे और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है, तो ये कुछ न कुछ मेरे अंदर कमी है जिससे कि मैं लोगों की और सेवा कर सकूं। तो यही सोचकर वो जो कि धर्म नगरी काशी वो अध्ययन करने के लिए चले गए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। और वहां पर उन्होंने काफी वर्षों तक अध्ययन किया। वहां के जो वहां पर बड़े बड़े गुरुओं के सानिध्य में उन्होंने वहां पर शास्त्रों का अध्ययन किया। और कुछ वर्षों के अध्ययन करने के बाद में जो उनको ऐसा लगा कि अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, तो अपने गांव वापस लौटे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद। तो गांव में जब वो लौट रहे थे तो गांव के अंदर उन विद्वान जी की एक किसान से मुलाकात हो गई। तो किसान जी को अपने ही गांव के विद्वान को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और किसान ने जैसे उनसे मुलाकात हुई तो किसान ने उनसे पूछ लिया कि महाराज प्रणाम, कैसे हैं आप? हाँ, तो वो विद्वान को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो किसान जी ने मेरे हालचाल पूछे। तो किसान ने उनसे पूछा कि मेरा आपसे एक प्रश्न है। तो विद्वान को बड़ी प्रसन्नता हुई, भाई किसान मेरे से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो किसान ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि पाप का गुरु कौन है। तो विद्वान जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि मैंने तो बड़े बड़े शास्त्र पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्वानों के सानिध्य में मैंने अध्ययन किया है, तो मैंने तो अब तक जो पढ़ा है इस दुनिया के अंदर भौतिक या आध्यात्मिक गुरु होते हैं, लेकिन ये पाप का गुरु कौन है? तो वो बड़े वो चक्कर में पड़ गए। अब उनको एहसास हुआ कि अभी तो मेरा ज्ञान अधूरा है। फिर वो वापस काशी में चले गए, वहां की धर्म नगरी में चले गए। फिर उन्होंने वहां विभिन्न धर्म गुरुओं के पास में फिर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, बड़े बड़े विद्वानों के पास वो गए, लेकिन कोई भी विद्वान उनको बता नहीं पाए कि पाप का गुरु कौन है। फिर ऐसे वो परेशान होते हुए वहां की सड़कों पर वो घूम रहे थे, तो वहां पर एक दिन उनकी मुलाकात एक वैश्या से हो जाती है। तो वैश्या उनसे पूछती है कि महाराज आप बड़े परेशान से नजर आ रहे हैं, क्या परेशानी है, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? तो विद्वान को पता लगा और उसने उस औरत ने बोल भी दिया, भाई मैं वो हूं, पैसे से मैं वैश्या हूं, तो लेकिन मैं आपकी बताइए आपको क्या परेशानी है। तो उस विद्वान ने कहा कि अरे चलो छोड़िए आप, जब मैंने बड़े बड़े विद्वान से पूछ लिया वही इसको नहीं बता पाए हैं। तो उसने कहा कि आप बताइए तो सही आपकी परेशानी क्या है, हो सकता है मैं आपकी सहायता कर सकूं। तो चलो फिर विद्वान ने सोचा कि चलो बता ही देते हैं, बताने में क्या नुकसान है। तो उसने पूछा उससे कि अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल पाया है कि पाप का गुरु कौन है। तो वैश्या ने कहा इसका उत्तर तो बड़ा ही आसान है, बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे पड़ोस में कुछ दिन रहना होगा। तो उसने वो शर्त मान ली। तो उसने जो वैश्या है अपने जिस इलाके में वो रहती थी उसके पड़ोस में उसको मकान की रहने की व्यवस्था कर दी। और फिर वो जो विद्वान जी थे बड़े आचार नियम और धर्म के बड़े समर्थक थे, कट्टर समर्थक जिसको बोल सकते हैं, नियमों के कायदे नियमों के बहुत ही पक्के थे। वो किसी के भी हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे, तो उन्होंने खाना बनाने की व्यवस्था की और वो रोज खाना बनाते और खाते। लेकिन पंडित विद्वान जी इस बात में इंतजार में थे कि कब मुझे जवाब मिले और कैसे मिलेगा, तो इस सोच में ही थे। तो एक दिन फिर वैश्या की उनसे मुलाकात हुई विद्वान जी से। तो उन्होंने उससे विद्वान से कहा कि आपको बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता है, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, आप खाना बनाते हो रोजाना, आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, तो मैं आपको एक सलाह दूं। तो विद्वान जी ने कहा हाँ बोलिए। तो आप ऐसा करिए कि आपको मैं नहा धोकर स्नान कर बिल्कुल शुद्ध होकर मैं आपको खाना बना दूं, और खाना बनाने के साथ साथ मैं आपको रोजाना
स्वर्ण मुद्राएं आपको दीक्षा में दूंगी। तो फिर अब आप देखिए कि बड़े कमाल की बात है, विद्वान जी ने सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगी और खाने को भी मिलेगी मिलेगा, यहाँ पर कौन देखने वाला है। तो उसको लोभ आ गया उसका 5 स्वर्ण मुद्राओं का। तो उस वैश्या ने उसके सामने उनके सामने एक शर्त रखी कि आप जब मेरे घर आए, मेरे कोठी में जब आप आए, तो आपको कोई देख नहीं पाए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो वो विद्वान जी, जो विद्वान जो महाराज थे, जब उन्होंने खाना वाना सब बना लिया तो वो उसके घर गए वहां। तो जैसे ही वैश्या ने थाली उनके सामने ऐसे परोसी थाली, तो उसने थाली को पकड़कर ऐसे खींच लिया उसने वैश्या ने। तो विद्वान जी को बड़ी हैरानी हुई, तो उसने वो नाराज हो गए विद्वान जी, विद्वान महाराज। तो उन्होंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, क्या आप बेहूदी कर रही है, आपने खाने की जो थाली थी उसको क्यों खींचा। तो वैश्या ने उस समय बड़ी धैर्यपूर्वक उनसे कहा कि अभी तक आप समझे ही नहीं महाराज जी, विद्वान महाराज जी, कि आप जो इतने दिनों से जिस सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे थे, तो उस सवाल का जवाब यही है कि आपने केवल चंद जो 5 रुपए की जो स्वर्ण मुद्राएं थी, जो उनके लोभ के चक्कर में आपने मेरे खाने को स्वीकार कर लिया, और ये जो लोभ है यही पाप का गुरु है, और आपके सवाल का जवाब यही है। कहा तो आप किसी के भी जो बनाया हुआ खाना है उसको आप नहीं खाते थे, और आज आप इस चंद जो स्वर्ण मुद्रा है एक लोभ में आपने खाना भी स्वीकार कर लिया। तो कहने वाला हमने इस कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आज की दुनिया में ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं उन्होंने पाल रखी है, जबकि जो हम जो इंसान है उनके लिए चाहिए क्या, बस 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को, और एक रहने के लिए एक छत। लेकिन उन्होंने इतनी महत्वाकांक्षाएं पाल ली, उतने बड़े बड़े लोग उन्होंने पाल लिए, कि यहां तक कि कई जो अनैतिक काम करते हैं, कई लोग गलत काम करते हैं, और इस और परिवारों को बर्बाद कर देते हैं, इस समाज को बर्बाद कर देते हैं, इस देश को बर्बाद कर देते हैं। तो कहने का मतलब, हम अपने पैरों को उतना ही पसारे जितनी की हमारी रजाई की लंबाई है। तो हम महत्वाकांक्षाएं पालें, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हम गलत या अनैतिक तरीके से हम धन ना कमाएं, और हमारी जो लोभ है हम लोभ से दूर रहे। और मैंने इस कहानी के माध्यम से यही बताने की कोशिश की है। तो आपका तहे दिल से, मन से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ मैं आपका। आपने अनमोल और कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया, और मैं हर बार की तरह आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और कहीं भी किसी भी जगह यदि निःशुल्क मेरे मोटिवेशन सेशन या वर्कशॉप आप आयोजित करवाना चाहें, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9533006111, और मेरे जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल के बटन को दबाएं। थैंक यू सो मच।